हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में मेनली दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अगर बात करें हार्डवेयर की, तो यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। कहने का मतलब है हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक तत्व होता है। ये एक तरह से कंप्यूटर के उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें आपके कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर इत्यादि है। ये कंप्यूटर के वे भाग हैं जिन्हें हम अपने हाथों से छूकर देख सकते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और जबकि वो हार्डवेयर ही हैं। इन्हें केवल कंप्यूटर को ओपन कर कर ही देखा जा सकता है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया। ये कंप्यूटर की शक्ति और नियंत्रण बनाए रखते हैं या उनका नियंत्रण रखते हैं। सबसे पहले देखते क्या है, ये कंप्यूटर के भौतिक तत्व हैं। कंप्यूटर के भौतिक तत्व हैं या मशीनरी और उपकरण हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। हालांकि इन्हें हम क्या है, छूकर देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हार्डवेयर है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ये तो बाहर हो गए, लेकिन वो क्या है, वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। जब तक बिना कंप्यूटर को ओपन किए नहीं करते, हम उन्हें नहीं देख सकते। इसमें हो गया मदरबोर्ड, जो कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि कंप्यूटर की शक्ति और इसका नियंत्रण है। कंप्यूटर का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग होता है उसका सॉफ्टवेयर। आसान शब्दों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल इसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है और इसका उपयोग किस लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रमों, निर्देशों का अंग होता है जो एक विशेष कार्य करते हैं। इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ये उन्हें ही करते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है, यानी जो ये सॉफ्टवेयर है, इसी के द्वारा हार्डवेयर कार्य करता है। कहने का मतलब, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, हाँ, वन सेकेंड। जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके बिना हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका कोई यूज़ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर के बारे में तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और इन्हें देख भी सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं और ये हार्डवेयर के अंदर ही होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड है उपयोगिता या उपयोगिता सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है जिसके द्वारा हार्डवेयर चलाने में मदद मिलती है, और इस सॉफ्टवेयर को सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किया जाता है। ये पहले से ही सिस्टम पर, इसे पहले ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं कार्य करने से पहले। कंप्यूटर पर इस पर पहले से ही से इंस्टॉल कर लिया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर और डायग्नोस्टिक टूल भी इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर, डायग्नोस्टिक टूल, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या डायग्नोस्टिक टूल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर उसको चलाने में ये हेल्प करते हैं। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें चलाने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें मास्टर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्या है ये, मास्टर सॉफ्टवेयर। क्योंकि इसके बिना कोई भी हार्डवेयर
ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे मास्टर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार होता है अनुप्रयोग प्रक्रिया या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पर हम बहुत सारे काम करते हैं। कौन कौन से काम हमारे, जैसे कि अगर हमें कहीं पे ईमेल सेंड करना है या फिर कुछ टाइप करना है, इसके अलावा हम इस पर गेम्स भी खेलते हैं, या फिर इसके अलावा अगर हमें कोई व्यवसाय वगैरह चलाना है तो इसी के द्वारा ये सब पॉसिबल होता है। इन सब के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर काम नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी विंडो पर दिखाई देती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होती हैं। ठीक, तो इनका क्या कार्य है? ईमेल भेजना होता है, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, प्रकाशन, ऑनलाइन शोध करना, ये ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाना, व्यवसाय चलाना, ये सभी हम अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही करते हैं। गेम्स भी इसी से खेलते हैं। हम डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी विंडो पर दिखाई देती है, मानकर चलिए ये आपकी विंडो हो गई, तो इस पर कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे, वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि इस पर आपका हो गया एमएस ऑफिस हो गया। इसमें एक और बात जानने वाली है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम करता है, यानी ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बैकग्राउंड में काम करता है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर विंडो पर कार्य करता है। अंतर आया आप लोगों को समझ में? यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के जो काम करता है बैकग्राउंड में काम करता है, जबकि जो एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री है ये कंप्यूटर विंडो पर कार्य करता है। अब देखते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार उपयोगिता सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसे एक तरह से टूल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टूल सॉफ्टवेयर भी इसे कह देते हैं, टूल सॉफ्टवेयर। यदि हमारे कंप्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आ जाए, समझे, यानी कि अगर मान के चलिए आपके कंप्यूटर में जो उसकी गति है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, या फिर कंप्यूटर हैंग करने लगता है, या कोई वायरस वगैरह इसमें आ जाता है, तो ये उसे काफ़ी हद तक, यह सॉफ्टवेयर जो उसे बहुत हद तक उसे हैंडल करता है, एक तरह से कंप्यूटर की खराबियों को ठीक करता। क्या है? ये कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, खराबी आ जाती है, उनको ठीक करता है। कहने का मतलब है कुछ हद तक यह तकनीकी सॉफ्टवेयर होता है, यानी यह हम इसे तकनीकी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आता आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड टूल्स आते हैं, ये डिस्क टूल आते हैं, यानी जो कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है इन्हें ये सॉल्व करता, उन पर उन्हें हैंडल करता। इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप एवरी वन, वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा इंटरनेट के लिए हार्डवेयर की जरूरत। कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट चलाने में हमारी हेल्प करता है, ये देखते हैं। ओके, तो एक तो हो गया मॉडम, रूटर, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क केबल लगाना, तो ये कुछ हार्डवेयर्स हैं जो हमें इंटरनेट चलाने में हमारी जो हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडम के बारे में। तो मॉडम इंटरनेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मॉडम क्या है? इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडम दो शब्दों, MO प्लस डैम, यानी मॉडम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, MO प्लस डैम, जहाँ पे MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर। क्या है? मॉड्यूलेटर। और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो इस तरह से मॉडम शब्द इन दोनों का
जो है संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म है इनकी, तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, तो इन दोनों को हम शॉर्ट में मॉडम भी बोल देते हैं। मॉडम को हमेशा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य कनेक्ट किया जाता है, जो भी कोई टेलीफोन लाइन होते हैं और कंप्यूटर होता है उन दोनों को बीच में से जोड़ने के लिए मॉडम का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर पाए। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आपके द्वारा चयनित इंटरनेट एक्सेस का प्रकार यह निर्धारित करेगा कि आपको किस प्रकार के मॉडम की आवश्यकता है। एक तो हो गया डायलअप एक्सेस, या एक टेलीफोन मॉडम का उपयोग करता है, डायलअप एक्सेस एक टेलीफोन मॉडम का उपयोग करता है, एक टेलीफोन मॉडम का उपयोग करता है। नेक्स्ट है डीएसएल सेवाएं, एक डीएसएल मॉडम का उपयोग करती है। केबल का उपयोग, एक केबल मॉडम का उपयोग करता है। ओके, सैटेलाइट सेवा, एक सैटेलाइट अडॉप्टर का उपयोग करती है। तो ये जो सैटेलाइट सेवा है, एक सैटेलाइट अडॉप्टर होता है जिनका इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता आपका राउटर। राउटर क्या है, आइए देखते। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमें कई कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की अनुमति देता है, जिसे हम होम नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो हार्डवेयर क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक हार्डवेयर भी डिवाइस भी है जो आपके मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है, मतलब ये कई सारे उपकरणों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है। यह एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती, एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, बस इसमें क्या है कीबोर्ड और माउस की इसमें आवश्यकता नहीं होती। कई राउटर जो वो वायरलेस होते हैं जो आसानी से एक वायरलेस नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं। अधिकांश राउटर एक हार्डवेयर फायरवॉल के रूप में कार्य करते हैं, अधिकांश जो राउटर है वो एक हार्डवेयर फायरवॉल के रूप में कार्य करते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने में से रोकने में मदद करते हैं, या क्या करते हैं कि ताकि कोई आपके जो सिस्टम को हानि ना पहुंचा सके, आपके सिस्टम को हार्म ना कर पाए, इसलिए उनको रोकने में आपकी हेल्प करते हैं राउटर। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क कार्ड। एक नेटवर्क कार्ड हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है, मतलब नेटवर्क कार्ड के माध्यम से ही कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से संचार कम्युनिकेशन कर सकता है, संचार या कम्युनिकेशन कर सकता है। अधिकांश कंप्यूटरों में मदरबोर्ड में निर्मित एक नेटवर्क कार्ड होता है, इसलिए संभवतः ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे आपको खरीदना होगा, मतलब ये अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा, ये कंप्यूटर में ही फिट होता है पहले से ही। नेटवर्क कार्ड में एक इथरनेट पोर्ट, एक वायरलेस कनेक्शन या दोनों होंगे। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास मगर वायरलेस कनेक्शन वाला लैपटॉप है तो आप किसी भी स्थान पर वाईफाई कनेक्शन प्रदान करने वाले इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, कि जहाँ पर भी आपको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट किसी और अन्य पब्लिक पार्क में अगर आपको वाईफाई की सुविधा मिल रही है तो आप बिना किसी इंटरनेट के उसे यूज़ कर सकते हैं जैसे। ओके, इसके अलावा कई शहर सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि पार्क और शहर के क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी फ्री में वाईफाई की सुविधा दी जाती है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क केबलिंग, तो नेटवर्क केबलिंग क्या होता है, केबल वह माध्यम है जिसके माध्यम से जानकारी आमतौर पर एक नेटवर्क डिवाइस में दूसरे में जाती है, यानी कि कोई एक नेटवर्क डिवाइस है उससे दूसरे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए नेटवर्क केबलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कई प्रकार के केबल है जो आमतौर पर लैन के साथ उपयोग किए जाते हैं। ओके, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं आमतौर पर। कुछ मामलों में एक नेटवर्क केबल एक प्रकार के केबल का उपयोग करेगा, अन्य नेटवर्क विभिन्न प्रकार के केबल का उपयोग करेंगे। नेटवर्क के लिए चुनी गई केबल का प्रयोग नेटवर्क की टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और आकार से संबंधित होता। तो किस प्रकार का केबल हम यूज़ करेंगे तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो टोपोलॉजी, उसका प्रोटोकॉल और आकार से संबंधित है। अभी देखेंगे निम्नलिखित अनुभाग नेटवर्क और अन्य संबंधित विषयों में उपयोग किए जाने वाले केबल के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से केबल के जो विभिन्न हमें यूज़ में जो ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से, अनशेल्ड ट्विस्टेड पेयर,
यूटीपी, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं यूटीपी, यानी अनशेल ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है परिरक्षित मुड़जोड़ यानी एसटीपी, क्या है एसटीपी। नेक्स्ट है समाक्षीय तार, और नेक्स्ट है तंतु प्रकाश केबल, उसके बाद में है केबल स्थापन मार्गदर्शिकाएं, और क्या है सबसे लास्ट में वायरलेस लैन, वायरलेस लैन। तो अब बात करेंगे हम वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है ये देखते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम इंटरनेट को चला ही नहीं सकते। वेब ब्राउज़र, इसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट पर जाना होगा तो हमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे न्यूज़, वीडियोज़, मूवीज़, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। हम ब्राउज़र के बिना इंटरनेट नहीं चला सकते, चाहे आप फ़ोन चला रहे हो या कोई कंप्यूटर। ब्राउज़र होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए किसी कंटेंट तक पहुँचा जा सकता है। इसके द्वारा ही हम किसी भी कंटेंट तक पहुँच सकते हैं। एक वेब ब्राउज़र वह उपकरण है जिसका उपयोग आप वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँचने के लिए करते हैं, यानी www तक पहुँचने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो ब्राउज़र आपके आपको इंटरनेट चलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसके बिना आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, ब्राउज़र का मुख्य काम वेब पेज प्रदर्शित करना, यानी आपको जो वेब पेज। तो अभी अब हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। तो क्या होता है वेब ब्राउज़र, इंटरनेट चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वेब ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। ब्राउज़र की मदद से हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। हम कभी हमें न्यूज़ वगैरह देखनी हो, वीडियोज़ देखनी हो, कोई मूवीज़ देखनी हो, तो हम वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं। हम ब्राउज़र के बिना इंटरनेट नहीं चला सकते, चाहे आप फ़ोन चला रहे हो या कोई कंप्यूटर। उसमें ब्राउज़र का होना बहुत ही आवश्यक है, इसके द्वारा किसी कंटेंट तक पहुँचा जा सकता है। मतलब ब्राउज़र के द्वारा ही आप किसी भी कंटेंट तक अपनी एक्सेस कर सकते हो। तो ब्राउज़र वह उपकरण है जिसका उपयोग आप वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए करते हैं। किसके, यानी www तक आपको पहुंचने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। ब्राउज़र का मुख्य काम वेब पेज प्रदर्शित करना, यानी आपको वेब पेज तक पहुंचाना, उनका विजिट कराना, इसका मुख्य काम है वेब पेज प्रदर्शित करना है। यह आपको अपनी पसंद की साइटों के लिए बुकमार्क बनाने देता है कि आपके कौन कौन सी साइट्स हैं जिन पर आप ज़्यादातर जिनका यूज़ करते हो, जिन जो आपको जल्दी से ढूंढनी ना पड़े, इसके लिए आप उन ये जो उनको बुकमार्क करने देता है ताकि आप उन्हें बाद में आसानी से पा सको, उन्हें आसानी से ढूंढ सको आप। आइए देखते हैं कुछ वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। अब के बारे में नेट में क्वेश्चन भी आया था इस तरह से, यहीं से कुछ। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा, फायरफॉक्स, तो ये कुछ वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है ओके तो हम इसके एमसीक्यू एक इसे सॉल्व करते हैं। वेब के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को निम्न के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर हमें किसी भी साइट को जाना हो, किसी भी साइट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका यूज़, जिसका हम यूज़ करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र। ओके तो ये तो हो गया वेब ब्राउज़र के बारे में। अब हम बात करते सर्फिंग क्या होता है, क्या होता है सर्फिंग। तो ये जो सर्फिंग टर्म है वो किसी रैंडम सर्च के लिए की जाती है। इसके लिए आपको एक सर्च इंजन की ज़रूरत होती है, जैसे गूगल। इसमें आप अपनी क्वेरीज सर्च कर सकते हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप अपनी कोई भी क्वेरी है उनको सर्च कर सकते हैं। सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट ब्राउज़र में हाइपरलिंक का उपयोग करके इंटरनेट के एक वेब पेज से को दूसरे वेब पेज पर ब्राउज करने की क्रिया है। क्या है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ब्राउज करने की क्रिया है सर्फिंग। सर्फिंग शब्द का पहली बार प्रयोग इसका किसने किया था, मार्क मैक। किसने, मार्क मैक। तो ये याद रखना किन्होंने किया था, मार्क मैक, इन्होंने सबसे पहले सर्फिंग शब्द का यूज़ किया था। अब नेक्स्ट देखते क्या होता है, फायरबॉल। फायरबॉल एक तरह से आपके सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन होता है। जब भी आप कभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो जो भी आपके रास्ते में जो भी ट्रैफिक आ रहा है,
आपका जो इंटरनेट यूज़ करने में जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको वो प्रिवेंट करता है, ताकि वे आपके कंप्यूटर में कोई भी अनवांटेड सोर्स को डाउनलोड ना कर ले। तो ऐसे में फायरवॉल एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको, आपके सिस्टम को, कि आपके कंप्यूटर में केवल वही सामान या वही जो लिंक्स है, वही फाइल्स वगैरह वही आए जिनका आप परमिशन दे रखिए, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर ना जाए। तो इस तरह से ये इसके प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है। फायरवॉल एक प्रणाली है जिसमें अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे सिस्टम में ना जाए। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर्म या दोनों के संयोजन में फायरवॉल लागू कर सकते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर का टुकड़ा है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या फिर हार्डवेयर का एक टुकड़ा होता है, जो हैकर्स वायरस और कीड़ों को बाहर, मतलब जितने भी वायरस वगैरह आपके सिस्टम आ गए हैं उनको निकालने में मदद करता है, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी आपके कंप्यूटर को और आपके इंटरनेट को वो क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है, फायरवॉल एक ये एक प्रोटेक्शन आपके सिस्टम के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम HTML। क्या है HTML, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब पेज लिखे जाते हैं, कि जो भी वेब पेज होते हैं वो इसके द्वारा ही लिखे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जो कि HTML का यूज़ होता है वो इसी के द्वारा लिखी जाती है। HTML का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी के द्वारा वो लिखे जाते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रदर्शित होते हैं, यानी जो www पर आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, वो इसी के द्वारा लिखे जाते हैं। प्रत्येक पृष्ठ में हाइपरलिंक्स नामक अन्य पृष्ठों के कनेक्शन की एक श्रृंखला होती है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, ठीक है, तो ये उनकी एक चेन की तरह एक कार्य करता है। HTML पृष्ठ की एक बुनियादी संरचना भी प्रदान करता है, जिस पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS अपनी उपस्थिति को बदलने के लिए ओवरलेड है। एक HTML वेब पेज की उसकी मतलब बोन के रूप में कार्य करता है, जो HTML है वो किसी भी बोन के जो है वेब। तो अभी देखेंगे हम FTP। क्या होता है FTP, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हिंदी में बोलते से फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, यह इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता। तो आप ये चीज़ ज़रूर से याद रखना, इसका यूज़ जो किया जाता है वो किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यह दूरस्थ कंप्यूटरों पर कोई भी कमांड या फोल्डर तक पहुंचा देता, और सॉफ्टवेयर डेटा और पार्ट फाइलों को विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। FTP उसी सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जैसे कि क्लाइंट या सर्वर। तो किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये जैसे कि क्लाइंट और सर्वर का सिद्धांत, तो उसी तरह यह भी कार्य करता है। तो मतलब मेनली इसका जो यूज़ होता है FTP का, तो FTP का जो मेनली यूज़ होता है वो किसी भी फाइल को डाउनलोड और उसे अपलोड करने के लिए होता है। तो ये देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, FTP का मतलब क्या है, FTP क्या होता है इसका। ऑप्शन ए है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, या बी फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, या डी फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर अभी बताया आपको मैंने, ऑप्शन ए फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है, यानी कौन सा एक जो है वो सर्च इंजन नहीं है, खोज इंजन यानी सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए आपका गूगल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी याहू, या ऑप्शन डी बिंग। तो देखिए, आपको पता है गूगल भी एक सर्च इंजन है, क्रोम भी एक सर्च इंजन है, याहू भी है, लेकिन क्या आपने बिंग का नाम सुना, नहीं ना, तो ये कोई सर्च इंजन नहीं है।
ओके, तो आज आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।